कैंडलस्टिक पैटर्न्स का हमारी की गई इन्वेस्टमेंट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो एंड इवन के फोरेक्स में, इन कैंडल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर रोल होता है। किसी भी ट्रेंड को समझने के लिए कैंडलस्टिक ही वो वाहिद रास्ता है जिससे हमें पता चलता है कि अब नेक्स्ट मूव ऊपर की होगी या नीचे की, या यहाँ पर प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी। तो आज कैंडलस्टिक्स पर एक कम्प्लीट कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, बिकॉज लोग टेक्निकल एनालिसिस में एक डीप नॉलेज चाहते हैं। तो लोग आपके सिर्फ एक शेयर की वजह से टेक्निकल एनालिसिस पर पूरा नॉलेज हासिल कर सकेंगे कि कैंडलस्टिक्स के कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं, क्या देखकर पता लगता है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी या ट्रेंड रिवर्स होगा और प्राइस नीचे आएगी, एंड मजीद और बहुत कुछ आपको इस कोर्स में पता लगने वाला है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल एनालिसिस लाजमी होते हैं, सेम इसी तरह ही टेक्निकल एनालिसिस ही वो वाहिद रास्ता है जो आपको प्रॉफिट की तरफ लेकर जाता है और लॉसेस से आपको बचाता है। तो एक सिंगल कैंडल के रोल से लेकर एक कंप्लीट पैटर्न के रोल तक हम इस कोर्स में कंप्लीट सीखेंगे, ताकि हमारी की गई हर ट्रेड में लॉसेस के चांसेस मिनिमम से मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम। तो इन कैंडलस्टिक्स के रोल्स को आप एक एग्जांपल के जरिए समझिए। फर्स्ट करिए, आप अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलते साथ ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। आप ऊपर देखते हैं और बादल ही बादल, जिसका इम्कान है कि अब बारिश होगी। अगर उसी टाइम अंधेरी भी साथ स्टार्ट हो जाती है तो आपका और ज्यादा चांस हो गया कि यहाँ पर बारिश लाजमी होगी। तो सेम ऐसा ही रोल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का होता है, जो कि आपको इंडिकेशन देते हैं कि इस टाइम स्टॉक की प्राइस ऊपर या पैटर्न रिवर्स होकर नीचे जाने वाला है। बेसिकली कैंडलस्टिक्स हमें बताती हैं कि किस टाइम फ्रेम में बाइंग हुई है और किस टाइम फ्रेम में सेलिंग हुई है, मीन के कितनी प्राइस ऊपर गई है और कितनी प्राइस नीचे आई है। तो अब बात करते हैं कैंडल्स की। ये कैंडल है ग्रीन कैंडल और यहाँ पर आपको नजर आ रही है रेड कैंडल। तो इनकी अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो ये ग्रीन कैंडल का नेम है बुलिश कैंडल, मीन के बुल जैसा बिहेव करती है ये कैंडल। ये कैंडल ग्रीन कैंडल जो कि अबव जाती है, और दूसरी तरफ रेड कैंडल का नेम है बियरिश कैंडल, मीन जो कि बियर की तरह बिहेव करती है। अब इसके पार्ट्स की बात करते हैं। ये ग्रीन कलर कंप्लीट जो है ये इसकी बॉडी है, और इसी तरह रेड कलर में भी इसको बॉडी कहेंगे हम। अब ग्रीन और रेड में जो टेल्स निकली हुई है, इनको हम टेल, अपर शेडो, लोअर शेडो या विक भी कहते हैं। अब ऊपर को जो टेल निकलेगी उसको अपर शेडो, अपर विक कहेंगे। जो नीचे की तरफ लाइन आएगी उसको लोअर शेडो, मीन के लोअर विक या लोअर टेल भी कहेंगे। तो अब ये कैंडल के पार्ट्स आपको समझ आ गए। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल को पकड़कर मैं आपको ये सच चीज समझाता हूँ। ग्रीन कैंडल की ये साइड है ओपन साइड, और जो ऊपर वाली साइड है वो है क्लोज साइड, मतलब कि नीचे से स्टार्ट हुई थी ऊपर जाकर क्लोज हो गई। अब यहाँ पर प्राइस को देख लेते हैं। अगर फर्स्ट करें कि ये जो प्राइस है ओपन हुई है 100 रुपीज पर, जो ग्रीन कैंडल 100 रुपीज पर ओपन हुई, और इसका जो लोवेस्ट रहा इस ग्रीन कैंडल का वो रहा 90 रुपीज, और इसी ग्रीन कैंडल जो क्लोज हुई वो 120 पर हुई, और यही ग्रीन कैंडल का हाई जो था वो 130 था। तो इसी को देखकर अगर हम रेड कैंडल को स्टडी करें तो रेड कैंडल का बिल्कुल उल्टा पैटर्न है। रेड कैंडल बेसिकली ऊपर से स्टार्ट होती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। तो यहाँ पर ओपन ऊपर की साइड पर है, क्लोज नीचे वाली साइड पर। तो इसकी बेसिकली अगर इसको भी देख लें तो ये ओपन अगर 100 रुपीज पर हुई तो ये क्लोज 80 पर जाकर हुई, तो इसका हाई रहा 110, तो इसका क्लोज है 80। अब यहाँ पर 100 से स्टार्ट होकर रेड कैंडल 80 पर जाकर क्लोज हुई, और इसी रेड कैंडल का जो लोवेस्ट है वो है 70, मतलब कि ग्रीन कैंडल बाइंग को शो करती है और रेड कैंडल सेलिंग को। तो ये था कैंडल का बेसिक पैटर्न कि कैंडल किस तरह की होती है, कैंडल के पार्ट्स क्या क्या है, और कैंडल कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म होती है, और कैंडल की विक्स की मीन के टेल्स की भी बात की कि चाहे ग्रीन कैंडल हो या रेड, इनका हाई और लो क्या क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर खत्म होती है, इसी तरह रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होकर नीचे खत्म होती है। बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग के डिफरेंट स्टेजेस की वजह से डिफरेंट जो कैंडल्स है वो बनती हैं। किसी टाइम पे बाइंग बहुत ज्यादा और सेलिंग बहुत कम होती है तो कैंडल उस हिसाब से बनेगी। इसी तरह अगर सेलिंग बहुत ज्यादा और बाइंग बहुत कम है तो कैंडल उसी पैटर्न पर बनेगी। फर्ज करें कि अगर एक कैंडल बनती है 1 घंटे की, 1 घंटे में 20 मिनट जो बाइंग हुई और 40 मिनट सेलिंग हुई, तो वो जो कैंडल बनेगी वो रेड कलर की बनेगी, और इसका बहुत ज्यादा हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, और जो विक्स हैं वो भी बाइंग और सेलिंग पर डिपेंड करती हैं। तो आप कैंडलस्टिक्स को 1 मिनट से लेकर 1 पूरे साल तक की हिस्ट्री को देख सकते हैं। आप मजीद ये भी देखते हैं कि कई कैंडल्स की जो विक्स हैं वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, बॉडी उनकी छोटी सी होती है लेकिन उनकी जो टेल, उनकी जो विक है, शेडो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और इसी तरह कई की शेडो, कई की विक होती ही नहीं और कईयों की बहुत कम होती है। तो ये सब भी हम नेक्स्ट कवर करेंगे। तो ये हैमर और हैंगिंग मैन क्या है और इनसे रिलेटेड तमाम पैटर्न्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस को फुली सीखने के लिए, फुल नॉलेज डीपली लेने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी दीजिए, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना।